हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए RRB NTPC से जुड़ी काफ़ी बड़ी अपडेट जो है वो निकल के आ रही है। जैसा कि फ्रेंड्स, अभी कुछ देर पहले पटना पुलिस के तरफ से बयान दिया गया है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि पटना में एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, जो कि RRB NTPC और इसके साथ ही कई जो सरकारी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों में नकल कराने के लिए पैसा लिया करता था, जिसको लेकर के यहाँ पर पटना पुलिस ने यहाँ पर पूरा बयान जारी किया है। आपको हम इस वीडियो में पटना पुलिस का जो पूरा ऑफिशियल बयान है वो हम आपको सुनाने वाले हैं, तो आप लोग इस बयान को ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से आप लोगों के साथ जो है बेईमानी और मक्कारी के साथ किसी और स्टूडेंट को आपकी सीट जो है वो दे दी जा रही थी। तो सुन लीजिए आप इनका पूरा ऑफिशियल बयान। के अलावा जो अब रेलवे क्लरिकल एग्जाम की परीक्षा हो रही है और NTPC RRB की परीक्षा हो रही है, 70 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, 10th के सर्टिफिकेट, 10+2 के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, मूल उनके फोल्डर्स हम लोगों को मिले हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वो सबमिट कर चुके थे, कुछ पैसा इनको दे चुके थे, लेकिन क्योंकि परीक्षाएं पोस्टपोन हुई, आप सभी जानते हैं जो कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था, तो बाकी पैसा तब लेते जब इनके जो एग्जामिनीज हैं वो पास हो जाते हैं, उसके बाद शेष अमाउंट ये वहाँ से देते हैं। ये जो अभ्यर्थी हैं इनका भी हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, ये लोग सेट करते थे, इनके विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, बटन होल कैमरा प्रोक्योर करते थे, अमेजोन से ऑनलाइन उसको मंगवाते थे, और सैनिटाइजर की बॉटल में जो कि इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है उसमें फिट करते थे। तो अब क्योंकि सैनिटाइजर की बॉटल अलाउड है, जो छोटे वाला एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड था, तो उसी के लिए जब कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्जाम आता था तो ये रियल टाइम पे उसकी फोटोज खींच के उसको बाहर ट्रांसमिट करवाते थे, और फिर वहाँ से सॉल्व करवा के ये अंदर भिजवाते थे, और जितने भी कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास ये आंसर्स भिजवा देते थे। लेकिन ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ बताई है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, जिसमें जो अश्विनी सौरभ है, इनफैक्ट वो इस पर इतना ज़्यादा वो हो चुका है, माहिर हो चुका है, कि इसने अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर मुजफ्फरपुर में खोला हुआ है, तकरीबन 70 लाख की इन्वेस्टमेंट उसने की है नाप टेक्नोलॉजीज के नाम से, जो कि रामदयालु चौक पर है। इसके अलावा इसके पार्टनरशिप में गया में दो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स आइडेंटिफाई हुए, पटना में भी तीन एग्जामिनेशन सेंटर्स में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स में इस गिरोह का पैसा लगा हुआ है। तो जब सेंटर ही गिरोह का अपना हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस हद तक मैनिपुलेशन इस पे हो सकती है। मैनिपुलेशन करने के लिए ये लोग जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कंपनीज हैं जो करवाती हैं, उन्हीं के जो सिटी हेड्स होते हैं, उनको सिटी हेड बोलते हैं, प्रत्येक जिला का एक सिटी हेड होता है जो कि उन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स को सर्टिफाई करता है, वेरीफाई करता है कि इसमें किसी प्रकार की मैनिपुलेशन नहीं है, तो वो उन्हीं को ही ये लोग मैनेज कर लेते थे, उन्हीं को ही पैसा देके, तो वो इनके एग्जामिनेशन सेंटर्स को मैनिपुलेशन होते हुए भी उसको वेरीफाई कर देते थे कि इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं है, इनके सारे सिस्टम्स जो हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन होता क्या था कि उन डेस्कटॉप्स में और लैपटॉप्स में स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर है, DW सर्विस है, ये सब आपके डार्क नेट पे अवेलेबल है, उसको ये लोग उसमें इंस्टॉल करते थे और वहाँ से लाइव फीड IP एड्रेसेस जनरेट करते हुए समानांतर रूप से अपना फ्लैट में इनके ये जो लैपटॉप और डेस्कटॉप रिकवर हुए हैं उस पर लाइव ट्रांसमिट, रियल टाइम ट्रांसमिट हो जाता था, वहीं से ये लोग सॉल्व करते थे, कैंडिडेट सिर्फ बैठा रहता था और यहीं से वो आंसर शीट्स अपनी सबमिट करवा देते थे। तो इसमें इन्होंने पूरा अपना जो अपराध शैली है वो इन्होंने बताया है, इसमें जो सिटी हेड्स, कुछ कुछ इन्होंने नाम बताए हैं, इसमें कुछ रिप्यूटेड कंपनीज के भी हैं, एक को जो जो कि इनके साथ काम किए, उनके ऊपर भी अब हम लोग काम करेंगे आगे का। इनके जो पूरा ऑनलाइन वाला आपने देखा होगा, जो हम लोगों ने एक और चीज़ इन्होंने बताई, जो ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं उसमें कि बाहर से कोई मैनिपुलेशन हो, जैमर्स लगते हैं, लेकिन इन्होंने उसका भी तोड़ निकाला हुआ था, स्पेशल जैमर फ्री हार्ड डिस्क ये आती है, जो कि दिल्ली से प्रोक्योर करते थे, फरीदाबाद से प्रोक्योर करते थे, और जब जो सिटी हेड्स होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स के, उनके साथ सांठगांठ करते हुए वो हार्ड डिस्क को इंसर्ट करवा देते थे CPUs में और सेंटर के सर्वर्स में, जिससे कि इनको IP एड्रेसेस जनरेट हो जाते थे और जो ऑनलाइन एग्जाम आ रहा है वो डायरेक्टली इनके लैपटॉप्स और सिस्टम्स पे शो होना शुरू हो जाता था। बरामदगी में कुल 19 ऐसी हार्ड डिस्क हम लोगों को मिली है, 7 लैपटॉप जो कि ये अपने फ्लैट में रखते थे।